अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नेचुरल हेयर पैथ सेंटर कानपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपके जो हेयर पैच में रेडनेस आ जाती है, भूरापन आ जाता है, थोड़ा सा बाल रफ दिखने लगते हैं, शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, उसको कैसे हेयर पैच को ठीक करें और कैसे हम स्मार्ट बन करके घूमें, क्योंकि दोस्तों आपकी स्मार्टनेस ही मेरे लिए सब कुछ है। दोस्तों, जैसा कि आप इस पैच को देख रहे हैं कि काफ़ी पुराना, रेडनेस और ख़राब टाइप का हो गया है, लेकिन मैं अभी इसको बिल्कुल ही नया कर दूंगा, जैसे बिल्कुल नए पैच के हेयर्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही। इस वीडियो को एंड तक देखिए और सीखिए किस तरीके से अपने पैच की लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल नया दिखाई दे। क्योंकि दोस्त, होता क्या है कि हम लोग ये पैच लगाते हैं, 6 महीने बाद थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है, उससे पैच ख़राब दिखने लगता है और लोग उसको सोचते हैं कि ये पैच ख़राब लगा है। लेकिन इसमें रेडनेस इसलिए आती है कि इसमें धूप पड़ती रहती है, डस्ट जमती रहती है, इस वजह से ये रेडनेस हो जाती है और इसकी जो नेचुरलिटी वो ख़राब हो जाती है और दूर से लोग देख करके समझ जाते हैं कि ये हेयर पैच लगाए हुए। तो सबसे पहले शैम्पू लिया, शैम्पू लेने के बाद इस तरीके से पैच को मोड़ना है। आप किसी भी मग वगैरह में ले सकते हैं, बड़े भी अगर आपको अवेलेबल हो, जो भी हो उसमें आप शैम्पू घोल करके इस तरीके के पैच को उल्टा करके मोड़ना है। मोड़ के डाल के इस तरीके से आपको धोना है, अच्छे से धो लीजिए। देखिए, जितनी भी डस्ट है सब निकल रही है इसमें, और आप अपने बाल को बिल्कुल क्लीन कर लें। सबसे पहला प्रोसेस इसका यही है कि आप अपने हेयर पैच के बालों को सबसे पहले धो करके बिल्कुल क्लीन करें। क्लीन करने के बाद अभी इस पर कलर अप्लाई होगा। कलर ज़्यादा महंगा नहीं, मैं बताऊंगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली कलर लगाए, 20 रुपये का स्टिक्स का शैम्पू कलर आता है, उससे बहुत ही नेचुरल ब्लैक मिलता है, ब्लैक ब्राउन जो भी आपको चाहिए हो। और सबसे पहली बात भाइयों, पैच को सुलझाना और पैच में कॉम करना सीख लिए, जिससे पैच के बाल ना तो टूटेंगे और उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो बताते हैं कि मेरा पैच के बाल ज़्यादा टूट रहे हैं। तो कभी भी आप किसी भी गोल चीज़ पर रख के पैच को ऐसे धीरे धीरे किनारे से देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से किनारे से आपको बालों को सुलझाना है, जिससे बाल आपके ना तो टूटे और ना जो है फंसे, ना ख़राब हो पैच आपका। तो देखिए, इस तरीके से छुड़ाना है। अभी सिर्फ शैम्पू लगा इसलिए थोड़ा सा कॉम फंस रहा है और पुराना पैच है इसलिए। अभी जब मैं इसकी सर्विस कर दूंगा तो ये बिल्कुल ही नेचुरल हो जाएगा, एक भी बाल नहीं फंसेगा। अब देखिए, मैंने शैम्पू लिया स्ट्रीक्स का, ब्लैक कलर में, भाई को पसंद है तो ब्लैक कलर में लगा रहा हूँ इस पर। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें और आप एक एक जानकारी लेते रहें, कैसे आपको अपने पैच की केयर करनी है और कैसे आपको अच्छे से अच्छा लुक बनाना है। दोस्तों, इस तरह से शैम्पू को लगाने के लिए आपको ग्लव्स पहनना है, और ग्लव्स पहनने के बाद इस पाउच को अच्छे से मिक्सअप कर लें। इसमें दो वैरायटी होती हैं, एक येलो होता है और एक वाइट होता है, तो इन दोनों में आपको अच्छे से मिक्स करके इसको अपने हाथों पर लेना है। देखिए, वाइट और येलो, और दोनों को मिक्स करके अपने पैच पे अप्लाई करना है। जैसे ही आप पैच पे अप्लाई करेंगे तो पूरे पे फैलाना है आपको, और फैलाने के बाद आपको इसमें अच्छे से कॉम भी चलाना है, जैसे मैं अभी चला के दिखा रहा हूँ। ऐसे पूरे इसको नहला लेना है पैच को अपने शैम्पू से अच्छे से, और जब ये कॉम करेंगे तो सारे जितने भी बाल होते हैं उन बालों में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और एक एक बाल आपका कलर हो जाएगा। देखिए, नीचे की तरफ करके पैच को रोटेशन को घुमाते रहना है, पैच की रोटेशन को घुमाते हुए आपको अच्छे से कॉम करना है इसमें। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि जो लोग पैच लगाते हैं और उनका पैच ख़राब लगने लगता है, वो सर्विस नहीं करते हैं, तो वो दूर से दिखाई देता है कि ये पैच लगाएं, ऊपर के बाल लाल होते हैं, नीचे के ब्लैक, क्योंकि ओरिजिनल तो ब्लैक ही निकलते हैं।
तो अगर आप इस तरीके से घर पे भी सर्विस कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक लुक के लिए हम लोग पैच लगाते हैं कि लुक अच्छा दिखे, और लुक ही नहीं अच्छा दिखेगा तो क्या फ़ायदा पैच लगाने से, पैसे बर्बाद करने से। तो दोस्तों इस तरीके से इसको धोएं, और धोने के बाद अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इसके बाद आपको स्मूथनेस और शाइनिंग के लिए क्या करना है। इसको अच्छे से धोने के बाद इसमें क्रेटिन लगाना पड़ता है, अभी वो भी मैं लगा करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से क्रेटिन लगा करके आप पैच को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं, पैच के बालों को बहुत ही हल्का। दोस्तों आप हेयर पैच कहीं से भी लगवाइए, किसी भी शॉप से लगवाइए, लेकिन उसकी केयर अगर आप वहाँ नहीं करा पाते हैं तो खुद भी कर लिया करिए, इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में सिखा रहा हूँ आप टाइम निकाल करके करिए। तो इससे क्या होगा, आपका पैच बहुत ही अच्छा लगेगा, लुक भी आपका बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से निचोड़ने के बाद पैच को आप इसमें क्रेटिन लगा सकते हैं, क्रेटिन लगाइए जिससे बालों बहुत स्मूथ हो जाते हैं बाल, और बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है बालों में। दोस्तों क्रेटिन लगाने के बाद क्रेटिन को आधे से 1 घंटा जितना भी आपके पास टाइम हो इसको छोड़ दें। जब इसको आप लगा करके छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा स्मूथनेस आ जाती है बालों में, बहुत ही लाइट हो जाते हैं बाल। दोस्तों पूरी तरीके से क्रेटिन को अपने हेयर पैच पे अप्लाई करके इस तरह कॉम से पूरे में फैला लें। कॉम चलाने से जो भी क्रिएटिन लगा होगा आपके हेयर पैच में पूरे बालों में अंदर जड़ों तक आ जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएगा बालों में, जिससे बाल ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप पैच कहीं से भी लगाएं लेकिन जानकारी ज़रूर ले लें, देखिए इस तरीके से। और हाँ सबसे बड़ी बात, ये कॉम जो होता है चौड़े दांत का ले लें, देखिए इसमें बाल एक भी नहीं फंस रहा है ना टूट रहा है, चौड़े कॉम का, ये कॉम वरदान है पैच के लिए ये समझ लीजिए। इस टाइप का आप कॉम कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, परचेज़ कर लीजिए, उसके बाद इसको आप झाड़िए, इस तरीके से एक भी बाल ना तो फंसेगा ना टूटेगा। अब देखिए कितना चिकना हो गया पैच, एक भी बाल फंस नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। अब आधे से 1 घंटे बाद इसको ऐसे धो ले, इसको रख करके छोड़ देना है, फिर ऐसे धोना है बिल्कुल साफ तरीके से धो लें। दोस्तों इसी तरीके से हमको पैच की सर्विस भी करनी है, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि पैच की सर्विस कैसे करनी है, वो भी मैं पहले वीडियो बना करके आपको भेज चुका हूँ, हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही मैं बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें मैं सेटिंग भी दिखाता रहता हूँ, कैसे मैंने किसकी कौन सी स्टाइल बनाई है। तो हमारे चैनल पे जा कर के आप और भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैं अच्छी अच्छी स्टाइल बनाता हूँ। आप भी अगर हमारे हमसे हेयर पैच लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास रामा देवी हाईवे पे कानपुर में आ सकते हैं और हमसे हेयर पैच लगवा सकते हैं। जैसी भी स्टाइल आप चाहेंगे फ़ोटो दिखा करके आपको मिल जाएगी, आप फ़ोटो दिखा देंगे आपको वैसी स्टाइल दे दी जाएगी। देखिए अब इस तरीके से कितना बढ़िया आपका पैच हो गया, एक भी बाल नहीं फंस रहे हैं, कॉम कितना स्मूथ चल रहा है, और इसकी चमक देखिए, अब आप देखिए पैच बिल्कुल नए की तरह चमक रहा है, एक एक बाल बहुत ही अच्छा स्मूथनेस आ गई है उसमें, बहुत ही अच्छा चमक रहा है। अभी तो गीले हैं खैर, अब इस पर आप कंडीशनर भी लगा सकते हैं, कंडीशनर से और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी आपके हेयर्स में। देखिए कंडीशनर नहाते वक्त भी इस तरीके से लगाना होता है, सर पे जब पैच लगा होता है तो आपको हथेली में ले करके कंडीशनर ऐसे लगा के 5 मिनट 10 मिनट छोड़ देना है, जिससे कंडीशनर से और भी स्मूथनेस आ जाती है हेयर में, आपके कॉम नहीं फंसता है, सुलझाने में बहुत आसानी होती है। और कंडीशनर के बहुत से फ़ायदे हैं हेयर पैच के लिए जो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कंडीशनर लगाने के बाद। शैम्पू के बाद कंडीशनर बहुत ज़रूरी है,
आप कभी भी नहाते हैं उस वक़्त भी, और आप पैच की सर्विस वगैरह करते उस वक़्त भी। देखिए दोस्त, एक भी हेयर फंस नहीं रहा है बाल में और ना टूट रहा है। जब फंसेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो पैच की लाइफ आपकी 2 से 3 साल आराम से चलेगी। अब इसको धो लें, अच्छे से धोने के बाद इसको सुखा कर भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है पैच में, और पैच के बाल जो पुराने थे बिल्कुल नए हो गए। देखिए इस तरीके से निचोड़ लेना है पैच को धोने के बाद लास्ट टाइम, और सुखाने के लिए और ऐसे टॉवल में ले करके रख करके प्रेस कर दें। अब देखिए कितने अच्छे हो गए ये बाल। इसको एक बार फिर से सुलझाएं, और सुलझाने के बाद सूखने के लिए छोड़ दें, या ड्रायर भी हो आपके पास तो आप ड्रायर से भी सुखा सकते हैं इसको, और फिर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है इस पैच में, इस पैच के बालों में। पहले मैंने दिखाया था कितने रफ बाल थे, अब देखिए बिल्कुल नए की तरह लग रहे हैं। दोस्तों आप भी अपने हेयर पैच को इसी तरीके से उसकी सर्विस करके अच्छा बना सकते हैं। देखिए सूखने के बाद भी कितने ब्लैक और कितने नेचुरल बाल दिखाई दे रहे हैं। 2 साल पुराना पैच है ये, जिसको मैंने नया कर दिया है बिल्कुल। आप भी अपने हेयर पैच को इसी तरीके से सर्विस करके बिल्कुल नया कर सकते हैं। हमारे पास ना आ पाए तो घर पे भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।